नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गैसो टेक पे। दोस्तों, आज 1 दिसंबर 2021 हो चुका है, साल का लास्ट महीना है और हर बार की तरह गैस के दाम में कितना बदलाव हुआ है महीने के पहले दिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ गैस सब्सिडी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, वो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि गैस रिलेटेड और भी जानकारी आपके अपने मोबाइल पे मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महीने के पहले दिन गैस के दाम में कुछ बदलाव किया जाता है। वो बदलाव कितना किया गया है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको अपने शहर या फिर गांव का गैस का प्राइस जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम साथ में अपने स्टेट का नाम लिखकर पूछ सकते हैं। अगर हम दिसंबर महीने की बात करें तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर महीने में गैस के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके पहले भी नवंबर महीने में गैस के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो भी गैस का प्राइस नवंबर महीने में हुआ करता था आपके डिस्ट्रिक्ट में, वही प्राइस दिसंबर महीने में भी कंटिन्यू रहने वाला है। दोस्तों, ये आसार लगाए जा रहे थे कि दिसंबर महीना आते ही गैस के दाम में लगभग 100 से 200 रुपए कटौती की जाएगी, लेकिन आज 1 दिसंबर हो चुका है, 14 केजी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर में गैस के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में गैस के दाम में 100 से 200 रुपए की कटौती की जाए। अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम कॉमर्शियल 19 केजी गैस सिलेंडर की बात करें तो एक बार फिर से 19 केजी गैस सिलेंडर का दाम लगभग 70 रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके पहले भी नवंबर महीने में 19 केजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम लगभग 200 रुपए बढ़ाया गया था और दिसंबर महीना आते ही एक बार फिर से लगभग 70 रुपए गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब कॉमर्शियल गैस का दाम लगभग 2250 रुपए हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कुछ मेट्रो सिटीज में 1 दिसंबर 2021 से गैस के दाम क्या रहने वाले हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 899.50 रुपए गैस के दाम दिसंबर में रहने वाले हैं। कोलकाता में 926 रुपए, मुंबई में 899.50 रुपए, चेन्नई में 915.50 रुपए, गुड़गांव में 908.50 रुपए, वहीं नोएडा में 897.50 रुपए, बेंगलोर में 902.50 रुपए, भुवनेश्वर में 926 रुपए गैस के दाम रहने वाले हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ में 909 रुपए, हैदराबाद में 952 रुपए, जयपुर में 903.50 रुपए, लखनऊ में 937.50 रुपए, वहीं पटना में 998 रुपए गैस के दाम दिसंबर महीने में रहने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दिसंबर महीने में सब्सिडी कितना आने वाली है। इसके पहले नवंबर महीने में सब्सिडी लगभग 40 रुपए के आसपास आपके बैंक अकाउंट में आया करती थी। दिसंबर महीने में ये आसार लगाए जा रहे थे कि गैस के दाम कम होने के साथ ही साथ सब्सिडी भी लगभग 200 से 300 रुपए आने वाली है, लेकिन अभी गैस के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है तो सब्सिडी में भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लगभग 40 रुपए के आसपास सब्सिडी दिसंबर महीने में भी आने वाली है। आने वाले एक हफ्ते 10 दिन में हो सकता है सब्सिडी का जो अमाउंट है गवर्नमेंट के द्वारा उसे बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि गैस रिलेटेड हर एक छोटी सी छोटी जानकारी आपको यही मिलने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।